सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से शुक्रवार को भारी गोलाबारी की गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार के गोले और भारी गन से आम नागरिकों के इलाके को निशाना बनाया, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने जोरदार जवाब दिया है। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का लगातार ही उल्लंघन किया जा रहा है। पुंछ जिले में LOC पर पड़ोसी देश के सैनिकों की ओर से की गई गोलाबारी में भारत के एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल भी हुए हैं। वहीं नौशेरा में रिहायशी इलाके में मोर्टार दागे जाने से कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है। नौशेरा के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए हैं। मोर्टार दागे जाने से कई घरों की दीवारों को नुकसान पहुँचा है। पाक ने 4 सेक्टर्स में सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके सैनिकों ने पोस्ट और रिहायशी इलाकों में करीब 1 घंटे तक मोर्टार दागे। पाकिस्तान एक ओर शांति की बात कर रहा है तो दूसरी ओर सीमा पर लगातार फायरिंग और मोर्टार दागे जा रहे हैं। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।